नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदो। और सबसे पहले बात धनबाद की करें, जहां अनुग्रह नगर धनसार निवासी एक प्राइवेट नौकरी करने वाले पिता और आंगनबाड़ी सेविका की प्रतिभाशाली बेटी कौनिका लायक अपनी प्रतिभा को मुकाम नहीं दे पा रही है। बेस्ट कैडेट समेत कई अवार्ड जीत चुकी कौनिका के लिए सबसे बड़ी बाधा उसकी आर्थिक तंगी है। एक बेटी गुहार लगा रही है कि मैं गोल्ड मेडल पर निशाना साध लूंगी, एक राइफल तो दिला दो। राइफल शूटिंग में कई गोल्ड मेडल जीतने वाली धनबाद की कौनिका बेहतरीन राइफल शूटिंग खिलाड़ियों में से एक है। कई प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अपनी प्रतिभा साबित कर चुकी है कौनिका। ओलंपिक गेम्स में भाग लेकर देश का नाम रोशन करना चाहती है। एनसीसी से जुड़ने के बाद राइफल शूटिंग में करियर बनाने का ख्वाब था। आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से आज अपने लिए अच्छे राइफल तक नहीं खरीद पा रही है। इसी वजह से 11 मार्च से शुरू होने वाले ईस्ट जोन शूटिंग प्रतियोगिता में, जिसमें वह चाहते हुए भी भाग नहीं ले पा रही है, क्योंकि उसके पास अपना एक राइफल नहीं है। एक्चुअली मेरे पास अपना खुद का राइफल नहीं है, उसका दाम बहुत ज्यादा है, तो हम कुछ अमाउंट जमा कर पाए हैं, हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यही राइफल ही नहीं है मेरे पास, यही मेरा बहुत बड़ा दिक्कत है। हम दूसरों से राइफल लेके अब तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैच भी खेले हैं। अपनी पीड़ा का जिक्र करते हुए कौनिका ने बताया कि अब तक दूसरों की राइफल से प्रैक्टिस उसने की और अपनी प्रतिभा साबित की, लेकिन सिर्फ अपना गन नहीं होने की वजह से उसका भारतीय टीम में चयन नहीं हो सका। कौनिका बताती है कि राइफल के लिए 2017 से ही प्रयासरत है। खेल मंत्री से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगा चुकी है, मगर सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। थक हार कर खुद अपने और अपने परिवार के सहयोग से ही पैसे जुटा रही है, और अभी तक गन के लिए जरूरी लगभग 2,70,000 रुपए में से 1,30,000 रुपए ही एकत्रित हो पाए हैं। 2013 में एनसीसी ज्वाइन किए थे, उसके बाद से ही हम राइफल शूटिंग शुरू किए हैं 2014 से। हाँ, बहुत स्टेट में 4 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और यूनिवर्सिटी मैच में गोल्ड मेडल, ईस्ट जोन में सिल्वर मेडल, और नेशनल क्वालिफाई, इंडिया टीम ट्रायल अभी तक मैंने थी। आंगनबाड़ी सेविका कौनिका की मां को विश्वास है कि अगर मदद मिले तो कौनिका मुकाम हासिल कर सकती है। वहीं कौनिका की इस पीड़ा को देखकर युवा समाज सेवियों का संगठन संकल्प संस्था की टीम राइफल खरीदने की राशि उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ आगे आई है। किसी और का राइफल लेकर अगर एक दिन प्रैक्टिस करके अगर इतना मेडल ही ले सकती है, तो मेरे दिल को भरोसा है, उम्मीद है कि ये अपना राइफल होगा तो बहुत अच्छा से खेलेगी। अगर किसी का राइफल संडे एक दिन प्रैक्टिस करने के बाद ये इतना अच्छा मेडल ले रही है, स्कोर कर रही है, और खुद का होगा रोज घर प्रैक्टिस ही करेगी, तो बहुत अच्छा खेलेगी, बहुत आगे जाएगी। फेसबुक के माध्यम से सोनू जी डाले, तो फेसबुक के माध्यम से मालूम चला कि कनिका राय जो अनुग्रह नगर में रहती है, राइफल खरीदने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो फेसबुक माध्यम से इनको हम मैसेज किए कि कॉल मी, हमको फिर कॉल किए अपना नंबर से, तो हम बताएं कि ऐसा ऐसा बात है, सिल्वर गोल्ड दोनों जीती हुई है और पैसे के कारण ये राइफल नहीं खरीद पा रही है। तो हम लोग संकल्प संस्था आज हम लोग आए इनके घर, अपने जो सहयोग राशि वो हम लोग इनको दिए हैं। और मैं झारखंड सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो इनके राइफल नहीं ले पा रहे हैं, इनको राइफल दिया जाए। और जहाँ विधायक जी का बात है, तो हम विधायक जी को जरूर बोलेंगे कि हम लोग कि कनिका को जो मदद हो सके करें, कई विधायक जी सबके लिए खड़े रहते हैं। कौनिका जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी को आज राइफल के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। देखना है कौनिका के मददगार का इंतजार कब खत्म होता है। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बंडवाल की रिपोर्ट। तो कौनिका जो कि एक राइफल शूटर है और एक राइफल के लिए ये दर दर भटक रही हैं, लेकिन कहीं से कोई सहायता इन्हें नहीं मिल रही है। आज कौनिका खुद हमारे साथ बनी हुई है, लाइव है हमारे साथ धनबाद से। सबसे पहले तो कौनिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। कौनिका, आप इतनी अच्छे शूटर हैं, आप दूसरे से लेकर के शूटिंग करती हैं, राइफल आपकी खुद की नहीं है, कितने दिनों से ये परेशानी में आप हैं, और क्या आपने अब तक जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई, कुछ नहीं हुआ, खेल विभाग से भी आपने बातचीत की, क्या कुछ आश्वासन वहां से मिला आपको? जी, अभी तक तो मैंने बहुत जगह सरकार के पास अपनी मदद के लिए गुहार लगाई हूँ, लेकिन अभी तक तो आश्वासन ही मिला है।
और अभी तक कोई मदद नहीं मिली है मुझे। कहाँ कहाँ मदद के लिए गुहार लगाया अभी तक आपने? जी मैंने खेल मंत्री जी, पूर्व खेल मंत्री अमर बावरी जी के पास मैं गई थी। उन्होंने उनके चंदन क्यारी उनके घर है, मैं वहाँ वो बैठते हैं, तो मैं उनके पास गई थी। फिर वो बोले कि रांची आने के लिए, फिर मैंने रांची गई। मैं वहाँ पे उन्होंने मेरे लेटर पे लिखा आवश्यक कार्रवाई किया जाए खेल निदेशक, और मुझे एक रिसीविंग दिया गया। उसके बाद बोले कि फॉलोअप करने के लिए, तो मैंने फॉलोअप भी किया खेल निदेशक से। तो बोले अभी तक काम चल रहा है उस पर अभी तक कुछ ऐसा कार्रवाई तो हुआ नहीं। मैम अभी तक आपने कई गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके बाद मैंने विधायक के पास जी बोले अभी तक, उसके बाद मैं विधायक जी के पास गई, पीएन सिंह जी के पास गई, उसके बाद नीरसा के विधायक जी है उनके पास भी गई मैं, कहीं से मुझे कोई मदद नहीं मिली। जी अभी आपने जितने भी गोल्ड मेडल हासिल किए हैं वो आप प्रैक्टिस कैसे करती हैं? जी मैं आईएसएम में अभी प्रैक्टिस करती हूँ, और मेरे साथ जो वहाँ खेलते हैं उनके राइफल से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मैं दो मैच खेलती हूँ, एक 50 मीटर और एक 10 मीटर। तो 50 मीटर में सर हैं राजेंद्र सिंह वेदी, उनके राइफल से करती हूँ, वो सर मुझे बहुत मदद करते हैं। और 10 मीटर जो है वो मेरे साथ जो खेलते हैं उनके राइफल से मैं अभी तक प्रैक्टिस करती हूँ। कोनिका, आप दूसरों के राइफल से प्रैक्टिस करती हैं, तो जाहिर तौर पर जब उनकी प्रैक्टिस खत्म हो जाती होगी आप इंतजार में बैठे रहते होंगे कि उनकी प्रैक्टिस खत्म हो जाए, उसके बाद वो राइफल आपको मिलता होगा। बिल्कुल, वो उनका राइफल है तो वो पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर मुझे राइफल मिलती है। न्यूज 11 भारत में इस वक्त आप लाइव मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि आपने सब कुछ बयां कर दिया कि आपने हर एक जगह पर गुहार लगाई है पर कहीं से कोई भी मदद नहीं मिली, आश्वासन भले मिला, तो न्यूज 11 भारत के माध्यम से आप किसे क्या कहना चाहेंगी? कनिका सुन पा रही हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि जी जी मैम सुन रही हूँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी इस तरह के अपने लक्ष्य बनाए हैं, जो भी मैं उन मैं चाहती हूँ कि मुझे ये मदद की जाए ताकि मैं मेरे जो सपने हैं, मेरे जो लक्ष्य हैं, मैं उसको पूरा कर सकूँ। और मेरा यही सपना है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतूँ और देश का नाम रोशन करूँ। तो मैं उनसे यही मदद गुहार करना चाहती हूँ कि वो मेरी आके मेरी मदद करें। चलिए, तो आपके लिए गुहार हम भी जरूर लगाएंगे। न्यूज 11 भारत के माध्यम से एक होनहार खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं खेल पा रही है क्योंकि अपना राइफल उसके पास नहीं है और राइफल के लिए दर दर भटक रही है। अभी जैसा कि हमें पता चला है कि आप पैसे इकट्ठा कर रही हैं, राइफल के लिए कितने पैसों की जरूरत है आपको? जी मैंने अभी तक मैंने के 1 लाख कुछ जमा किया, फिर भैया लोगों ने बहुत जगह से फंड इकट्ठा किया है, रोशन भैया, सोनू भैया, सौरभ भैया, सिद्धार्थ भैया, इन लोगों ने मेरे मदद के लिए आगे आए और इन लोगों ने बहुत से संस्था से बात किए। उन लोगों ने बहुत से ऐसे संस्था है जो आगे आए मुझे मेरी मदद करने के लिए। तो अब तक मैंने 1,60,000 जमा कर चुकी हूँ और 2,66,000 गन का दाम है, मुझे 1 लाख की अभी जरूरत है। तो 1 लाख की और जरूरत है मदद के लिए, कुछ संस्था आपसे जरूर संपर्क कर रही है और कुछ पैसे आपके इकट्ठे भी हो गए हैं। हमारी इस राज्य की अगर बात करें, झारखंड में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इसी तरह उभर कर निकले हैं, जाहिर तौर पर आपको भी मदद की जरूरत है। हम महेंद्र सिंह धोनी की बात कर ले, दीपिका कुमारी की बात कर ले, इसी धरती और इसी जमीन पर वो जन्म लिए हैं, राज्य का नाम रोशन किए हैं, ऐसा ही नाम आप भी रोशन कर सकती हैं। लेकिन जाहिर तौर पर एक मदद की उम्मीद है कि ये अपना राइफल खरीद ले दी कोनिका, क्योंकि राइफल के बिना, हम कहते हैं ना कि जब तक हथियार नहीं होगा तो हम उसमें अपना कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आपका हथियार आपका राइफल है जिसमें आप शूटिंग की हैं, और राइफल शूटिंग में आपने अभी तक कितने मेडल्स जीते हैं कोनिका? जी मैंने अभी तक 30 मेडल जीते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट मैच, स्टेट मैच, ईस्ट जोन मैच में मैंने अभी तक मेडल जीता है। और ये दूसरों के राइफल से प्रैक्टिस करके आपने जीते हैं? जी मैम।
मैंने दूसरों के राइफल से प्रैक्टिस करके अभी तक मैंने जीता है। चलिए, तो दूसरों के राइफल से प्रैक्टिस करके अगर आपने 30 मेडल अभी तक जीते हैं, तो आपका अगर खुद का राइफल होगा तो आप जाहिर तौर पर और कितने मेडल्स जीतेंगे ये हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा नहीं है कि आप राइफल खरीद सके, तो जाहिर तौर पर हम यही कहना चाहेंगे जनप्रतिनिधियों से, हमारे विधायकों से, हमारी सरकार से, कि ऐसे कई होनहार खिलाड़ी हैं, कई तो हमारे नजर में आ जाते हैं, कई छिप जाते हैं, और ऐसे ही खिलाड़ी हैं कोनिका जिन्हें एक राइफल की जरूरत है, और राइफल मिलेगा तो जाहिर तौर पर राज्य का नाम रोशन होगा। ऐसे खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे आने की जरूरत है। अभी कुछ संस्था है जो आपसे जुड़ी हुई हैं, कोनिका जी, जी जी, अभी आप जी, सिर्फ धनबाद के लिए ही खेले या उसके बाहर भी आप गई हैं खेलने के लिए? जी मैम, अभी आप बाहर भी खेला अभी तक जी मैम, जी जी बोले, धनबाद के बाहर भी आपने खेला है? जी, मैंने धनबाद के बाहर भी खेला है, मैंने नेशनल गेम खेला है, पुणे, केरल, दिल्ली, मैंने धनबाद के बाहर खेला है अभी तक। तो वहां पर जाने के लिए भी आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, या फिर जो ये मैच कराते हैं वो अपना बेयर करते हैं? जी मैम, हम मैच जब मैं खेलती हूँ तो हमारा एंट्री फी लिया जाता है 3,000-1,500 ऐसे करके हम लोग का जो इवेंट रहता है उस इवेंट के मैंने हमारा एंट्री फी लिया जाता है, तो जाहिर तौर पर उसके लिए भी परेशानी होती होगी। रहता है रहना जी मैम जी, मुझे एक याद है कि मैंने एक पहला जब मैंने नेशनल गेम खेलने गया था, मैं खेलने गई थी तो वहाँ पे तब मैं रामगढ़ जाती थी प्रैक्टिस करने के लिए, हर संडे मैं रामगढ़ जाती थी, 1 घंटा प्रैक्टिस करती थी और फिर मैं आती थी, तो वो मेरा पहला नेशनल गेम था और मैं वहाँ पे खेलने के लिए गई तो वहाँ की जो पता चला कि राइफल में कुछ प्रॉब्लम है और मेरा मैच कल है, तो फिर मैंने वहाँ के जो जहाँ मैच होती है वहाँ अपने अपने कंपनी के सब स्टॉल लगाते हैं, तो मैं वहाँ बात की, मैं कोच से बोली कि वहाँ की जो कोच थी, मैं बोली मैम गन में ऐसे प्रॉब्लम है, वो बोली नहीं गन में प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कुछ, तो फिर मैं कल मैच है, तो फिर मैं उन्हें बिना बताए फिर मैं गई उस स्टॉल गन वाले स्टॉल में, तो उन्हें उनसे मैं कही कि मेरा गन में ऐसा प्रॉब्लम है कुछ शब्द, तो वो बोले कि अब मैं सोची कि जो खर्च होगा मैं उसे पूरा करके गन ठीक करवा लूँगी, तो फिर मैं उनको दिखाई तो वो बोले कि 40,000 लगेगा इसे ठीक करने के लिए वरना ये ठीक नहीं होगा, और मेरा मैच कल था तो मैं वही सोच रही थी मैं उस टाइम क्या करूँ कैसे खेलूँगा मैं मैच, फिर मैं उनसे भैया से मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो किसी तरह मेरा कल मैच है वो अच्छा हो जाए, कुछ तो ऐसा होगा जो काम चल सके, तो उन्होंने कुछ सेटिंग वगैरह कुछ किया पता नहीं, उससे मैं सेकंड डे मैच खेली और मेरा वहाँ जो टीम गए थे उसमें सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो ये खुशी लगता है कि मैंने इतना संघर्ष किया। चलिए, तो आपके अंदर वो जज्बा था, वो संघर्ष आपने किया जो ये कामयाबी आपको मिली है, और यही उम्मीद हम करेंगे हमारे जनप्रतिनिधियों से, सरकार से, कि ऐसे खिलाड़ियों की मदद की जाए जिससे कि हमारे राज्य का नाम रोशन हो सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कोनिका आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कोनिका एक ऐसी खिलाड़ी है, राइफल शूटर है ये, और राइफल नहीं होने की वजह से ये अपनी जो कला है वो दुनिया को नहीं दिखा पा रही है, तो हमारी कोशिश और हमारी गुजारिश यही है उन तमाम जनप्रतिनिधियों से कि कोनिका की मदद की जाए और उन्हें एक राइफल उपलब्ध कराया जाए। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।